कौन सी ऐसी दिक्कत है जो आपको लगता है सबसे पहले ठीक हो? पहली बात तो ये है जो हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है कि हर जगह के स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीजें कमी है जहाँ बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन टीचर वहाँ नहीं होते हैं जिनको मेन टीचर होना चाहिए। और ये कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं जो सोचते कि पढ़ने के बाद बेरोजगारी लोग बहुत ज्यादा बढ़ गया, चाहते कि वो लोग कमी हो कि उन लोग को भी जॉब वगैरह मिले, वो लोग भी हर जगह एक जॉब ढूंढते रहते हैं कि पढ़ाई तो हो जाती है उसके बाद वो सोचते कि कहीं जॉब लग जाइए वगैरह, कुछ भी नहीं हो पाता है उनका। तो चाहते कि पहले उन लोगों को कहीं जॉब वगैरह मिले, कुछ ये सब चीज होता रहे और हम लोग को पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट ना आए हम लड़कियों को। आप में से कौन सरकारी स्कूल से पढ़ा है? कोई नहीं, सब प्राइवेट से पढ़े हो, ठीक है। एक चीज बताओ, अभी ये लोग एक चीज इन लोगों से बात कर रहे थे, ये भी बता चलेगा, क्या नाम है आपका? शयान है। ये लोग बोल रहे थे कि बिहार में ना हम लोग सब पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी बहुत ढूंढते हैं, ऐसा सच है? ये बात तो सही है। क्यों सरकारी नौकरी ज्यादा ढूंढते हैं, प्राइवेट कम? देखिए सरकारी में अगर आप जाए ना जाए उसे बहुत बहुत जगह देखे, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल में टीचर आता नहीं है, उसका अटेंडेंस बन जाता है, यही चीज बच्चा लोग करेगा ना तो उससे पैसा मांगेगा कि तुम नहीं आओ कोई दिक्कत है, तुम हमको पैसा दो हम तुम्हारा मैनेज कर देंगे ये वो, और यही चीज टीचर करेगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब बोलेगा, उसका अटेंडेंस भी बन जाएगा बिना आए, और जिस दिन डीएम वो आने वाला होगा सब टीचर आ जाएगा स्कूल में, और बच्चा लोग कोई बोलेगा कि तुम लोग आ जाओ तो ये बात होगा। यही करने के लिए सरकारी नौकरी चाहिए जी? अब देखिए प्राइवेट में डेली जाना पड़ेगा। जो तकलीफ झेले हो उसको सुधारने की सोचोगे या वो तकलीफ बरकरार रखने की सोचोगे? नहीं सुधारा जाए, सही तुम बोले कि प्राइवेट में डेली जाना पड़ेगा इसलिए सरकारी लोग देखते हैं, तो सही बात है ना। अब हम तो आप हार कहाँ भी जाइएगा आपको मिल गया सरकारी नौकरी, अब आप जा रहे नहीं जा रहे, आपके पास पैसा आ ही रहा है तो जाहिर सी बात है आपको जाने का मन तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा यार, मतलब तुम्हारी और मेरी सोच में कुछ तो फर्क होगा। क्यों नहीं, 27 मार्च से निकला हूँ बिना किसी वीक ऑफ के, रोज लोगों से बात कर रहा हूँ। आप ऐसा थोड़ी है, अब हमें को सरकारी नौकरी मिलेगा हम तो नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? क्यों जाएंगे, हमको घर बैठे बैठे पैसा मिल ही रहा है। वीडियो बन जाएगा, तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा कि ये तो काम ही नहीं करने वाला है। अब किस्मत पे है। अच्छा, सही बात है। क्या नाम? तौहीद आलम। सरकारी नौकरी की कोशिश करोगे? नहीं नहीं करोगे? नहीं। क्यों? बस ऐसा ही, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है सरकारी नौकरी में। बताओ यार, जैसे आप लोग नई उम्र के लोग हो, आप लोग को क्या लगता है कौन सी ऐसी दिक्कत तकलीफ आपके आसपास है जो सबसे पहले ठीक होनी चाहिए? जैसे उन्होंने कहा एजुकेशन सिस्टम की बात कि वो ठीक नहीं है, अभी इन्होंने कहा कि रोजगार पर कोई नहीं सोचता कि हम लोग पढ़ के तो निकल जाएंगे आगे क्या करेंगे, क्या तकलीफ है जो आपको लगता है सबसे पहले ठीक करे कोई भी सरकार बने, कौन जीतेगा हारेगा वो नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक क्या हो? गरीबी ठीक हो, इतनी गरीबी जो है, बहुत गरीबी है दुनिया में, और क्या, वो ठीक होना ज्यादा जरूरी है। कितने लोग यहाँ भूखे मर जा रहे हैं लेकिन गरीब है तो उनको कोई नहीं पूछ रहा है, यही थोड़ा रिच रहेंगे तो उनके लिए तो सब सही है, लेकिन गरीब को, गरीब मतलब हमेशा दबके रहते हैं और वैसे ही मर जाते हैं, उन पर कोई मतलब, मेनली यही कहने का मतलब है कि गरीबी दूर हो। तुमने बड़ा अच्छी बात कही कि हाँ गरीबी दूर हो, जो दिक्कत में है उसकी दिक्कत दूर होनी चाहिए। गरीबी दूर करने के दो तरीके हम लोग देखते हैं जो सरकारें करती हैं, या तो सब कुछ मुफ्त में देती हैं कि उनको सब चीज़ें मिल जाएँ, सुविधा मिल जाए, दूसरा कि दूसरा तरीका है कि धीरे धीरे करके जिसमें नौकरियाँ होंगी वो घर ठीक होगा, होना क्या चाहिए? यही दूसरे तरीका जो आप बोले वो होना चाहिए, मुफ्त में मिल जाएगा तो फिर वो लोग को कुछ करेंगे भी नहीं, और उन लोगों को भी मतलब गरीब लोगों को भी चांस मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, और क्या। क्या नाम? मोहम्मद दानिश। दानिश ये बताओ, क्या युवा के तौर पर तुमको लगता है सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ा मुद्दा है तुम लोगों का? एजुकेशन सिस्टम सर। उसमें क्या खराब या बात है सर? एग्जाम एक बैग हो जाता है सर, डेट बताया नहीं जाता, टीचर सब नहीं आते सर स्कूल में, जैसा कि उन्होंने बताया सर कि आते हैं स्टूडेंट नहीं आते तो उनका अटेंडेंस के लिए पैसा लगता है, टीचर के लिए पैसा नहीं लगता सर। सरकारी नौकरी कोशिश करोगे? यस सर करेंगे, उसमें जाके सिस्टम को सुधारेंगे इनके तरह। हाँ उसके जैसा तो नहीं, उनके जैसा नहीं करना, जो तकलीफ हम झेले सर अगला भी वही झेले, वैसा नहीं करना। एक मिनट खड़े होना, वहां मैं किसी से पूछा कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए तो बोला दहेज अच्छा मिलता है। दहेज का बात नहीं है, हमको वो चाहिए नहीं। दहेज लेना तो सबसे पहले बात गलत है, दहेज क्यों ले? मैं भी उसको बोला, पर वो बोला सरकारी नौकरी में नहीं, दहेज का बात, दहेज तो बहुत गलत बात है। अब जाहिर सी बात है कोई, चलो दूसरी बात जो इन लोगों ने हमको सिखाई, तुम्हारी दोस्त हैं, जूनियर हैं, सीनियर हमको नहीं मालूम, वो ये बोले कि सरकारी नौकरी करेंगे ना शादी जल्दी होती है बिहार में, ये भी सच है? ये सच है, सच है। अब सही बात है, मेरा शक्ल खराब भी रहेगा ना, सरकारी नौकरी रहेगा तो हमको अच्छी भी मिलेगी।
कहीं अच्छी मिलेगी। यस सर, सही बात है, ये सच है सर। प्राइवेट नौकरी वाले का, प्राइवेट नौकरी वाले का अगर आपका सैलरी 2 लाख रहा, 3 लाख रहा, तो आपको कोई पूछेगा? उससे कम में? उससे कम में बहुत कम लोग पूछेगा। 1 लाख रुपया हो तब भी सफिशिएंट है, पूछ लेगा। अच्छा, सफिशिएंट सफिशिएंट का पैमाना कितना है? 25,000-40,000 रहा है तो आपको कोई पूछेगा नहीं। और ये अंतर क्यों लगता है? क्योंकि यही आते हो रहा है, अब इसको इस चीज को सुधारना चाहिए, ये बहुत गलत चीज है। सुधरेगा, तुम भी तो वही करने जाओगे जो तुम देखते आए हो अभी। सुधरेगा, अब देखिए, तुम नहीं सुधारोगे लेकिन सुधरेगा, है ना। सबसे पहले देखिए देश में सबसे खराब चीज क्या हो रहा है बता रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं हो रहा है, कुछ चीज किया नहीं जा रहा है, सिर्फ हो रहा है हिंदू मुस्लिम, ये चीज बहुत गलत बात है। बहुत बढ़िया बोले। अभी बताओ तुम लोगों के हिस्से की, नई उम्र के लड़कों के, लड़कियों की, युवाओं की बात करता कोई भी दिखाई देता है? सब अगर ये चीज सही हो जाए ना कि हिंदू मुस्लिम नहीं हो, तो ये देश बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे। क्या नाम आपका? जी मोहम्मद अली। वही वाला सवाल है। हाँ, कौन सा, शादी वाला करें, दहेज वाला करें, सरकारी नौकरी वाला करें या मुद्दे वाला करें? आपको जो मान, दहेज तो गलत है, किसी भी गरीब के माँ बाप है कैसे देंगे। और रहा बात एजुकेशन सिस्टम का, वो तो बिहार का आज से नहीं बहुत दिन से खराब है, पीछा राज्य है, कोई बिहार पे ध्यान ही नहीं देता है, हर साल जीतता है, हर साल वही होता है, चेंज होना चाहिए। क्या नेताओं में वो चेंज करने की बात दिखाई देती है? नहीं, वो तो सिर्फ भाषण देते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता है। हर साल आएंगे, इलेक्शन का टाइम आएगा, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस होगा, फिर पूरा साल वैसा ही रह जाएगा। आपको क्या दिख रहा है यहाँ 10 साल में प्रोग्रेस? फुलवाड़ी में कहीं पर आपको प्रोग्रेस ज्यादा नहीं दिखेगा। अभी आया है इलेक्शन का टाइम, देखिए जगह जगह पे खुदा रहा है रोड, पाइप गड़ा रहा है, फिर अगला साल इलेक्शन आएगा, फिर उसको निकाल के ब्लैक पाइप डाल देगा, फिर अगला बार आएगा ब्लू पाइप डाल देगा, ऐसा ही होता है। उन लोगों को प्रोग्रेस दिख जाता है, वोट ले लेता है, जीत जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।